और एक देश एक चुनाव को लेकर अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। रिपोर्ट सबमिट की थी, वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। साइबर सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट? सो एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन दो फेजेस में होगा, जैसा कि कमिटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। अब इस पे जो कमिटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में, वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह के जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए। कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में डेवलप किया क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो साथियों, एक बहुत बड़ा फैसला, 7 बड़े फैसले आज लिए गए, ये 7 के 7 आपके सामने मैंने रखे और बहुत धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में हमेशा कैबिनेट की ब्रीफिंग में आते हैं और इतना पेशेंटली सुनते हैं, उसके लिए धन्यवाद। नाउ आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। 152 और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जानकारी दी गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर 62 पार्टियों से संपर्क किया था और इस पर जवाब देने वाले 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया है, जबकि 15 दल ऐसे हैं जिन्होंने की इसका विरोध जताया है। रिपोर्ट के अनुसार 15 पार्टियों ने, sir, this is regarding one nation one election. Obviously you need to amend the constitution when it comes to one nation one election. While you do not need ratification by the states when it comes to Lok Sabha and assembly elections to be held together, but for other things like municipality you need ratification by states, at least 50% of them. How will you conduct that, and when is the process, when do you think that this process will start? Because many parties in the opposition are saying that this is not feasible and they are opposing it. In fact, 12 of the opposition parties have opposed it. How do you plan to implement it? A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run, and this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country,
and we have seen there is a huge emphasis among the youth for having common elections, simultaneous elections, so that the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from variety of, from various sections of the society. So over next a few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that isme discussion kariye, detailed discussion kariye, detailed charcha kariye, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर सर, गुड आफ्टरनून, शिशिर फ्रॉम हिंदू बिजनेस लाइन। सर, आई हैव टू क्वेश्चन। कैन वी एक्सपेक्ट अ 2029 इलेक्शन ऑन दिस वन नेशन वन इलेक्शन? आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकसभा इलेक्शन। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट वुड बी द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ दिस डिसीजन? देयर विल बी गुड पॉजिटिव इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, and we will create consensus, and the entire legal processes, once they are completed, then we can say which will be the appointed date. I'm sure you would have read the report is available on the website, and anybody can download it. It's a public document. So once you read it, you will come to know that there is an appointed date. So once that process gets initiated, then we will be able to tell which will be the first election. 80. Sir, this is Payal from Network 18. Sir, just yesterday the Home Minister spoke about this decision yesterday when he was sitting in the briefing with you, saying it's going to be implemented before the next term. So do we have a realistic date in mind? And secondly, I mean, you know, when you're talking about the allies are, you're saying, were on board, but the Congress party and the other opposition parties say that this is the impact of 240 in 2024 elections, and that's the reason that you're bringing this in a hurry. One nation, one election was a thought which was announced well before the general elections of 2024. So anybody who is saying that it because of the election results have actually given us a historic mandate, and that's why we are able to take such historic decisions. And that's why there is a clear thought process that for country's growth, for meeting the aspirations of our people, for making sure that we become a developed country by 2047, whatever needs to be done will be done, and this is one of those major decisions where, as I said, sarva sammati means everybody is on board. 77. Sir, this is Damini from the Indian Express. Will these constitutional amendments be brought in the next session of parliament? And are you confident of getting them passed in the current parliament? As I said, we will start the discussions across the country, various forums. We'll request constitutional experts, we'll request the academia, we'll request citizen groups, we'll request everybody to start discussing this, and then we will create consensus around it, then we'll bring the necessary laws. 4. Sir, namaskar, I'm Deepak from Times of India. I'll ask in Hindi. कल हमने देखा कि जो होम मिनिस्टर थे, ही एंड यू बोथ यू नो सेड हाउ गवर्नमेंट टू हिस्टोरिक डिसीजन ऑफ यू नो एबोलिशिंग MEP. इट हैपेंड जस्ट बिफोर द महाराष्ट्र एंड यू नो हरियाणा इलेक्शन. व्हाई आई एम आस्किंग इट नाउ, वंस यू हैव यू नो इलेक्शंस एट डिफरेंट टाइम, गवर्नमेंट हैज एनफ एल्बो रूम टू टेक करेक्टिव स्टेप्स विच यू टूक. सो हाउ आर यू लुकिंग एट इफ वन नेशन वन इलेक्शन कम्स, गवर्नमेंट्स विल हैव नो अदर्स यू नो बस they will have no room to you know take any corrective step. So which one is better? I absolutely main ekdam clearly aapko kehna chahunga, hamari sarkar consultative process mein vishwas karti hai, jeevant sarkar hai, we believe in continuously taking feedback. Maine aapko kai examples pehle bhi diye hai. We believe that we must take people's opinion in mind, into consideration, and then decide. So we definitely believe in taking the people along. So I don't think election result should be seen as a barometer of people's feedback. 121. No, sir, Brahma Prakash Dubey.
न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल यह है कि अभी कैबिनेट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन अनएक्सेप्टेबल है और ये असंभव है, तो क्या लगता है, क्या विपक्ष के सहयोग के बिना सरकार इसको लागू कर सकेगी या कैसे ये रास्ता बनाएंगे आप? देखिए, बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने ना लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है, खासकर यूथ ने, यूथ इज वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। 176 सर, अश्विनी जी, वन नेशन वन इलेक्शन पर ही है। आपने कहा कि सर्वसम्मति से, हमने देखा सर्वसम्मति पहले वक्त बिल पर भी था कैबिनेट में, लेकिन जिस तरह के आपके एलाइज बाद में इसके प्रति अपनी अलग अलग पार्टी लाइन पर चले गए, क्या ये सर्वसम्मति अगले शीतकालीन सत्र में जब भी ये बिल आएगा दिखाई देगा? और दूसरा, आपने कहा कि हम पूरे प्रोसेस में कंसल्ट करेंगे, चर्चा करेंगे, एक बड़ी हाई लेवल कमेटी बनी जिसका फाइंडिंग आपने एक्सेप्ट किया आज ही, उसने भी लंबी चौड़ी चर्चा की थी, तो अब फिर और क्या जरूरत है? क्योंकि सभी पार्टियों ने, 47 पार्टियों ने अपने रिएक्शन दिया था, 15 छोड़कर बाकी सब ने एक्सेप्ट कर लिया था। आपको लगता है कि इतने दिनों में और बदलाव हो सकता है चर्चा को? कोई भी जब प्रिंसिपल्स डिसाइड होते हैं, अब उन प्रिंसिपल्स को आगे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करना होता है, प्रोग्राम्स को आगे इम्प्लीमेंटेशन में लाना होता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही डिटेल्ड कंसल्टेशन के साथ करेंगे। जो आपने कहा हाई लेवल कमेटी के दौरान भी कंसल्टेशंस हुए थे, यस कंसल्टेशंस हुए, बहुत एक्सटेंसिव हुए, और उसके कारण जो प्रिंसिपल्स डिसाइड हुए, वो प्रिंसिपल्स को आगे इम्प्लीमेंट करना है। उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मान लीजिए कॉमन इलेक्टोरल रोल, एक पूरे देश में एक कॉमन इलेक्शन की जो रोल है वो होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए, तो वो वोटर लिस्ट राज्य सरकार के सहयोग के से ही बन पाएगी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों मिलके ही उसको कर पाएंगे ना, तो उसके लिए फिर डिटेल डिस्कशन चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों के साथ चर्चा चाहिए, दोनों कमीशन्स के आपस में डिस्कशंस चाहिए, फिर फेजिंग आउट करनी है तो फेजिंग आउट किस तरह से होगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर का जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट फोर्स है वो देखना होगा, कितना ईवीएम्स चाहिएगा, कितना उसका रिक्रूट कितना प्रोक्योरमेंट करना होगा, ये सारी चीज़ों में बहुत बड़ा डिस्कशन चाहिए। 278 सभी का सर, सागर हूँ पीटीआई से। मेरा सवाल चंद्रयान 4 मिशन के बारे में है। आपको नंबर आपने कहा माइक आपको दे। There are some changes in the Chandrayaan 4 mission. I would like the ISRO chairman to highlight the changes that are in the Chandrayaan 4 mission and how will it actually function? And also, do we have a specific timeline for the Bharat Antariksh Station, the first module to be operational? See, you would have seen Chandrayaan 4 mission is primarily targeted to demonstrate technology to go to moon and come back. The coming back is the highlight of it. Landing there has already been demonstrated in Chandrayaan 3. So that is what is brought in here. But if you had to send a man later in 2040, as envisioned by our Honorable Prime Minister, we need to have confidence on the technology. So primarily Chandrayaan 4 is for that purpose, how to do it at a low cost. So if you have to send man right now, we can't do that. We need to go step by step. So that is primarily the Chandrayaan 4 mission goal. Now you talked about the Bharatiya Antariksha Station. Yes, there is a definite timeline. The goal given to us by Honorable Prime Minister is that we must have a full-fledged station by 2035. So our plan here is to launch the first module of the Bharatiya Antariksha Station called BAS-1 by 2028. But for doing that, we have limitations of the launch vehicle capability. So what we can do with the current rocket is what we have proposed in this part of the program. And you have seen that NGLV coming up later. When it comes up, the remaining part of the space station will be built. So the timeline is accordingly worked out. First unit will go in 2028. Remaining part will go in the process, will reach up to 2035. We'll have full flood station. Thank you. 211.
सर मैं कमलेश हूँ लाइफ टाइम से. सर मेरा सवाल है सर, कब तक इम्प्लीमेंट करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? और दूसरा, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा आपको, दो तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से जुटाएंगे आप? मैंने कहा आपसे आप विस्तृत चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तृत चर्चा करके कंसेंसस डेवलप करेंगे, बिल्डअप करेंगे देश में, इस टर्म में लागू करेंगे, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने कल आप सबके सामने कहा है. 271. सर, आई एम शाहिद अब्बास फ्रॉम इनफॉर्मिस मीडिया. माई क्वेश्चन ऑल्सो पर्टेन्स टू वन नेशन वन इलेक्शन. सर आई वॉन्ट टू नो अबाउट द, विल यू काइंडली enlighten us about the practicality aspect of this decision. Let me finish. Say if a state assembly is elected. नहीं सुनो सुनो मेरी बात सुनो. एक काम करो आप सबके सब, प्लीज एक बार डाउनलोड करिए रिपोर्ट को और रिपोर्ट को एक बार सब पढ़िए. Come to the question. सुनो सुनो सुनो. देखो रिपोर्ट के कंटेंट्स के बारे में एक बार आप सब पढ़ लीजिए, डिटेल में डिस्कशन के कई मौके आएंगे, उसमें करेंगे डिटेल. I am on a point. I want to know, sir, in case if a government, state government is dissolves after election, after an election of 1 year, so for the remaining 4 years, whether it will be kept into suspended animation. कर रही थी. जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में जो समिति बनी थी, उसमें 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया था और पूछा था, फ्लॉज पूछे थे, तरीके पूछे थे, सुझाव पूछे थे, जिसमें से 32 पॉलिटिकल पार्टी ने इसका समर्थन दिया और वहीं 15 पॉलिटिकल पार्टी का कोई राय नहीं थी कि हमारी कोई राय नहीं है, जैसा होगा ठीक है, लेकिन 15 पॉलिटिकल पार्टी इसके विरोध में थी, जिसमें से एक कांग्रेस है. तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहां पर कि अब उसमें कौन कौन सी है. देखिए केंद्र के एनडीए सरकार में बीजेपी के अलावा चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है, नीतीश कुमार की जेडीयू है, चिराग पासवान की एलजेपी है, बड़ी पार्टियां हैं, ये तमाम वो पार्टियां हैं जो इसके समर्थन में रही. अब प्रोसेस क्या होगा, शीतकालीन सत्र में इसका बिल लाया जाएगा. इसमें कई ऐसे बिल भी लाए जाएंगे जो संशोधन होंगे, जो संशोधन भी किए जाने हैं. ये बात अलग है कि विधानसभा से उनका वो नहीं चाहिए कि वहां भी वहां से अप्रूवल मिले, लेकिन कई सारे संशोधन इसमें होने वाले हैं. और रामनाथ कोविंद की जो नेतृत्व वाली समिति थी उसने मार्च में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया था और सौंपने के बाद उसमें लंबी फहरिस्त थी सिफारिशों की. अब हम आपको बता दें कि कमेटी की रिपोर्ट में सबसे बड़ा सिफारिश है क्रियान्वयन को लेकर एक समिति बनाना, क्योंकि इसका क्रियान्वयन आसान नहीं है. और अगर प्रैक्टिकली समझा जाए तो हम पहले भी बात कर रहे थे, इससे दो चीजें होंगी, देश का समय बचेगा, देश का पैसा बचेगा. जो बिना वजह का जो पैसा खर्च होता है वो बचेगा और जाहिर तौर पे जो समय बचेगा, बार बार आचार संहिता लगती है वो बचेगी. और एक 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 प्रोसेस या फिर ये कहें कि डिसिप्लिनरी तरीके से 5 साल सरकारें चलेंगी और 5 साल सरकार काम करेगी. अब ऐसे में ये देखना होगा कि जब ये शीतकालीन सत्र में बिल आएगा तब क्या कुछ होगा. लेकिन कमेटी की रिपोर्ट इसके अलावा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं. देखिए एक साथ चुनाव में जब कैबिनेट में इस पर चर्चा हुई तो उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों में किन किन चीजों का जिक्र किया गया. 1951 से लेकर 67 के बीच में एक साथ चुनाव हुए तो उसका पूरा पैटर्न बताया गया. फिर उस समिति में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट जो 1999 में थी उसमें भी 5 वर्ष में 1 लोकसभा और 7वें विधानसभा चुनाव की सिफारिश थी. फिर वही संसदीय समिति थी, 79th रिपोर्ट थी जो 2015 में दी गई, उसमें भी 2 चरणों में एक साथ चुनाव करके लोकसभा विधानसभा के चुनाव को खत्म करने की बात कही गई. इन तमाम सिफारिशों के साथ साथ जो कोविंद की रिपोर्ट थी वो जो उसकी रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट की सिफारिशों को दिया गया मार्च में, उसको एक्सेप्ट किया गया है और अब ये प्रोसेस शुरू होगा जब शीतकालीन सत्र में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. बिल्कुल, और तो ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. मैं लौट रही हूँ आपके पास.